वो स्टूडेंट है जिनका एग्जाम ही खत्म नहीं हो रहा, मतलब 2014 के बाद भी एग्जाम दे रहे हैं, उनको एग्जाम देना भी तो 2019 के बाद भी एग्जाम दे रहे हैं, और बाकी स्टूडेंट एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं, एक एग्जाम पास नहीं होते, DU पहुंच जाते हैं पर उनका एग्जाम नहीं है, ये प्रधानमंत्री का फिर से एग्जाम है। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हाँ, मुझे याद है विनोद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अरे ये तो बाहर के इंटरप्रेटर थे, फिर भी हमने तो देखा है BK हरिप्रसाद इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे राहुल जी की बातों को, और कुछ ऐसी बातें थी उन्होंने तो उसको गोल ही कर दिया। तो मुझे लगता है कि लोग काम पर वोट देते हैं, और जब प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जब वो शख्स का चेहरा सामने आता है तो उनको सामने याद आता है कि 7 लाख आवास बने, उनको याद आता है कि डबल हाईवे हो गए, उनको याद आता है कि 94,000 करोड़ ये लोग देते थे 5 वर्ष में, हमने 2,26,000 करोड़ डेवलपमेंट के दिए, उनको याद आता है कि किस प्रकार से आज 48 लाख लोगों के पास टॉयलेट बना है, इनको याद आता है 1 करोड़ को पानी पीने का मिला है, उनको याद आता है कि कैसे आज FDI में नंबर वन है कर्नाटका, उनको याद आता है कैसे आज स्टार्टअप में नंबर वन है कर्नाटका, कितना भव्य केम्पेगौड़ा का टर्मिनल 2 बनाया है जिसकी फ्लाइट लेते लेते ही ये लोग इधर से उधर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रधानमंत्री के से याद आती है। बात तो दूर की बात है, उनकी बात सुनकर जो उनको कम्युनिकेट होता है वो दूर की बात है। दूसरी बात, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री से इतने बौखलाए नहीं होते, अगर ये नॉन एंटिटी नॉन फैक्टर था असेंबली चुनाव में, कोई फैक्टर नहीं प्रधानमंत्री, तो जहरीला सांप क्यों कहा गया? और ये तो आचार्य प्रमोद जी जो आपके यहाँ पे आते हैं आशीर्वाद देने, उन्होंने ट्वीट किया कि पहले गले का सांप नहीं निकला था तो बजरंग बली कोई खींच लिया है। तो ये सारी चीजें क्यों करने की आवश्यकता होती है? और एक चीज बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इन्होंने कहा या किसी और ने कहा, मुस्लिम वोट को पाने के लिए आज SDPI से गठबंधन हो जाना चाहिए, जी परमेश्वर ने कहा। MB पाटिल ने कहा SDPI के साथ तुरंत राजनीतिक निकाह कर दो। इस प्रकार से ये जो बातें की गई कि हम जो है कानून अलाउ खत्म कर देंगे गायकशी के खिलाफ, ये सिद्धरमैया ने कहा है। okay. धर्मांतरण का कानून मतलब खत्म कर अतुल देंगे लोंडे पाटिल, सिद्धरमैया ने कहा। right. अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई शहजाद का पॉइंट ये है, मुद्दा वही है अभी भी कि प्रधानमंत्री असेंबली इलेक्शन में कितने कारगर हैं। शहजाद कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार के साथ प्रधानमंत्री अपना चेहरा ऐसे जोड़ देते हैं कि वो असेंबली इलेक्शन में भी कारगर होते हैं। इसका मतलब यह है स्टेट गवर्नमेंट में काम कोई CM कर रहा है लेकिन वोट फिर भी PM के नाम पर पड़ता है स्टेट इलेक्शन में। अतुल लोंडे पाटिल, नहीं क्या है? मैं सिरे से खारिज करता हूं शहजाद की एक बात, एक ही लाइन में, अगर इतने कारगर है तो सरकार चोरी क्यों करना पड़ता है? मध्य प्रदेश में चोरी करना पड़ता है, कर्नाटक में चोरी करना पड़ता है, महाराष्ट्र में चोरी करना पड़ता है, हर जगह चोरी करना पड़ता है। और शहजाद की बात ले लूं तो नरेंद्र मोदी जो है वो कर्नाटक में कारगर है लेकिन गुजरात में और महाराष्ट्र में बहुत पीछे, क्योंकि वहां पे FDI आती नहीं है। अब FDI कोस्टल में आती है, उसकी क्या लीगसी है, कॉर्पोरेट लीगसी और कॉन्ग्लोमरेशन, इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेशन की क्या लीगसी है, ये बात छोड़ के जो है इन्हें लगता है दूसरे को समझता ही नहीं है कि ये चीजें क्यों हो रही है। इन्हें लगता है जनता ने देखा नहीं है कि देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण में झूठ बात बताई जाती है और जब लोकसभा में जवाब मांगो तो सिर्फ 7,500 किलोमीटर का रास्ता ही बनता है। ये केम्पेगौड़ा जो है ना, ये 1932 का एयरपोर्ट है, ये मैसूरों का 1942 का है, 1951 1919। इन्होंने सिर्फ पता है क्या, थोड़ा सा एक स्ट्रिप बना दी है और अपने अदानी के लिए जो है उसको मेंटेनेंस के लिए दे दिया है तो उसको ये डेवलपमेंट कहते हैं, तो सारे लोगों को मालूम है। तो एयरपोर्ट हमने 9 बनाए, वो पहले से है, वो जिंदाल का एयरपोर्ट पहले से है, अभी से नहीं बना, एक ही एयरपोर्ट बना है अभी शिवमोगा का। तो मैं देख रहा था उस दिन, मैं बोला यार शहजाद भाई ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन जाके संगत का असर जो हो गया है झूठ बोलने का तो बोल रहे वो, उसका मैं कुछ ये नहीं करूंगा, प्रतिवाद नहीं करूंगा, लेकिन एक ही लाइन, सरकार चोरी क्यों करनी पड़ती है इस राज्यों में? एक अतुल भाई रुकिए एक सेकंड, में चोरी की बात है, अतुल भाई इसी का एक दूसरा पहलू भी देख लीजिए ना इसको। अगर ऐसे देखिए कि BJP की कितनी सरकारें हैं देश में, करीब 20 के आसपास है सहयोगियों के साथ अगर मिला लें तो, और कांग्रेस की कितनी है उस लिहाज से देखिए, क्योंकि PM क्योंकि हर लोकल इलेक्शन में, चलो गिनवाते। हाँ चलिए गिनवाइए। रुको, हाँ मेघालय 2 सीट साठ लड़ी थी, 2 सीट नीचे, तमिलनाडु कुछ नहीं, केरला कुछ नहीं, आंध्रा कुछ नहीं, तेलंगाना कुछ नहीं, महाराष्ट्र में कल जा रही सरकार है, कल आ रहा है, महाराष्ट्र में जो चोरी की थी 40 लोगों की कल जा रही है, कल आ रहा है उनका वर्डिक्ट, आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, कल ही आ रहा है, आज डिक्लेयर हो गया तो महाराष्ट्र का जो है वो। मध्य प्रदेश चोरी हुई सरकार, राजस्थान में सरकार नहीं है, झारखंड में सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं, हरियाणा में बाल बाल बच गए, हमारा 100-150 केस में सुरक्षित है ना भाई, वो गया, हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, उत्तराखंड में है, गुजरात में है और उत्तर प्रदेश में है, बिहार में भी नहीं है। तो ये तो उंगलियों में मैंने गिना दिया आपको, क्या आप बता रहे मानक भाई, बात वो नहीं है, बात यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री संसद में लोकसभा में कहते हैं 8 करोड़ लोगों के घर तक पानी पहुंचा है और दूसरे दिन राज्यसभा में उत्तर देते हुए कहते हैं कि 11 करोड़ में पहुंच गए,
तो ये झूठ, जुमलेबाजी, 15 लाख, 2 करोड़ सीटअप, स्टैंड अप, स्मार्ट सिटी, जितने भी इन्होंने कहा है ये जनता। अच्छा, एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन, अतुल भाई, अगर आप ये कहते हैं, क्यों उतावले होते हैं, अरे सुनिए ना, सुनिए तो, अगर आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी स्टेट इलेक्शन हारती आई है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो उस लिहाज से ये सवाल तो फिर राहुल गांधी पर भी चिपकना चाहिए ना। आपके कितने चुनाव हारे बताइए, वो भी राहुल की हार हुई ना आपके हिसाब से, फिर इसी लॉजिक से देखिए। मानक जी, एक एक फेज होता है, एक फेज इनका जो रहा 70 साल का, तो आप ऐसा खारिज कर दोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप? क्या आप अडवाणी जी की लीडरशिप खारिज कर दोगे कि उनको पार्टी भी चेंज करनी पड़ी? जनसंघ बना, फिर जनता दल बना, फिर जनता पार्टी बनी और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। ये तो कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये 2 बार खुद खत्म हो चुके हैं। तो क्या हम ये टॉल लीडरशिप थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनको नकार देंगे हम सिरे से कि 70 साल आपको पूछा ही नहीं, 2 सीट, 0 सीट पूछा ही नहीं? ऐसा नहीं होता है, ये अहंकार का प्रतीक है। आप गलत तुलना कर रहे हैं, आप गलत तुलना इसलिए कर रहे हैं, देखिए आप गलत तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी तब थी नहीं ना। बीजेपी तो जब 2 सीट पर आई 84-85, उसके बाद देखिए आज कहां पर है, जबकि कांग्रेस कहां पर थी और कहां से कहां है। मानक जी, आप मुझे समय आपने पूरी तरह बैठे है, जनसंघ किसकी पार्टी थी, जनता पार्टी फिर किसकी बनी, उसकी अगुवाई किसकी थी? अच्छा ठीक है, ओके, शहजाद बोलिए, पॉइंट वही है, पॉइंट वही है कि प्रधानमंत्री असेंबली इलेक्शन में कितने काल क्यों होते हैं, इतना इतना दुखी क्यों होते हैं? प्रधानमंत्री यदि कारगर नहीं है और इनके नेता, ओके बोले दीजिए, ओके, वन बाय वन, अब शहजाद की बारी, अतुल भाई, हां बोलिए। मानक जी, पहले तो चोरी की हुई सरकारों के बारे में थोड़ा विश्लेषण कर दूं। महाराष्ट्र में उद्धव सेना ने हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, सीटें पाई, पूरी पार्टी इन्होंने ले ली थी। फिर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, कर्नाटका में हम नंबर 1 की पार्टी थे सीटों के लिहाज से, ये नंबर 3 और नंबर 2 एक साथ होकर हमारी सरकार को चोरी कर दिया। फिर किस प्रकार से इन लोगों ने अलग अलग जगहों पर, जहाँ बिहार में हम नंबर 1 पार्टी थे, हमने अपने अलायंस का धर्म निभाते हुए, नीतीश जी सबसे छोटी पार्टी थी, उनको फिर भी बनाया मुख्यमंत्री, उन्होंने जाकर ऐसा दबाव डाला और फिर सरकार बना दी। तो चोर कौन है, महाचोर कौन है, ये तो जगदीश शेट्टर जी ने भी बताया। जगदीश शेट्टर के बयान को देख लो कि सिद्धरमैया सबसे भ्रष्ट पर्सनैलिटी है कर्नाटका में, अब इनके स्टेटमेंट पे कार्रवाई कर लो, करप्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को छोड़ दो। पर आखिरी बात से इतना कहूंगा, देखिए अतुल जी ने एक भी अपना सकारात्मक काम नहीं गिनवाया कि 2013 से 18 के बीच हमने ये किया, और मैं बार-बार गिना रहा हूं। चलिए एक ही चीज मैं इनसे पूछ लेता हूं कि बताइए सर कि आपने कितना एफआरपी दिया था शुगर केन में? 22,100 रुपए, हमने 23,000 किया, हमने 10,000 किसानों को, 10,000 किसानों को दिया, 54 लाख किसानों को 10,000 रुपए दिया, आपने कितने दिए राजस्थान? वही गिनवा दो। देखिए, आपने मेरे सवाल का जवाब, मैंने सवाल का जवाब भी दिया, समझदार को सवाल का जवाब भी मिल गया। पूछने दीजिए भाई, एक मिनट, अब आप, मैंने अतुल भाई से पूछा ना, अतुल ओंडे पाटिल से क्रॉस क्वेश्चन, आपसे भी मेरा वही सवाल बोलिए। देखिए, तो आंकड़े खुद बताते हैं ना, जहां जहां हर स्टेट इलेक्शन में आप पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं, नहीं, बिल्कुल लड़ते हैं, बिल्कुल नहीं, हर स्टेट इलेक्शन, बल्कि दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी आप पीएम के चेहरे पर लड़ते हैं। देखिए, कौन सा ऐसा चुनाव है जो एमसीडी इलेक्शन में प्रधानमंत्री ने कहा कैंपेनिंग किया एक भी दिन? आप क्या बोल रहे हैं? इस बार नहीं किया, रोड शो निकाला था, वो अलग बात है। नहीं नहीं, लेकिन आपको बताइए, कौन सा चुनाव, कौन सा विधानसभा चुनाव आपने पीएम के चेहरे पर नहीं लड़ा? अच्छा, मैं आपको बताऊं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका स्ट्राइक रेट कितना है? असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं। नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब प्रधानमंत्री की सरकार केंद्र में चल रही है और वो केंद्र की ही स्कीम्स है जिनको हमारी राज्य सरकारें सफल तरीके से लागू करती है, तब उत्तराखंड में जहां इतिहास नहीं है सरकारें रिपीट होने का, वहां पर सरकार रिपीट होती है। उत्तर प्रदेश में 37 साल से सरकार रिपीट नहीं हुई है, वहां पर सरकार रिपीट होती है। गोवा में 15 साल से हमारी सरकार चल रही है, फिर से वहां पर सरकार बन जाती है। गुजरात में 27 वर्षों के बाद भी हमारी सरकार बनती है। तो ये डबल इंजन की सरकार का आज नरेंद्र मोदी जी के, हम लोग देखो, ये यहाँ पे राजनीतिक हमारे, मैं कहूँगा भीष्म पितामह बैठे विश्लेषक के रूप में, उनके जुबान पे हमेशा एंटी इनकम्बेंसी एक शब्द आया था, ये इन्होंने शायद इजाद किया था। आज विनोद शर्मा जैसे प्रबुद्ध लोग भी कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी भी बन चुका है, और वो प्रो इनकम्बेंसी केवल नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक पटल पे आने के बाद। ओके, ब्रेक पर जाने से पहले विनोद जी, एक कॉमेंट इसी पर कर दीजिएगा, प्रधानमंत्री का ये जो टेस्ट शहजाद कह रहे हैं, बार बार उन्हीं का टेस्ट आप क्यों लेते हैं भाई? बाकी देखो, बात यह है कि मैं बीजेपी और कांग्रेस के डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में नहीं फंसना चाहता, वो मैं छोड़ आया अपने कॉलेज में, हम लोग जुदा बात करेंगे, इनकी बात पे टिप्पणी नहीं करना है हमको। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की परिधि में है कि ये फैसला ले कि उनको कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये बात अलग है, लेकिन एक प्रश्न जो हर किसी व्यक्ति के मन में उठेगा वो ये है कि अगर हमारी पॉलिटी देश की पॉलिटी फेडरल है, जहाँ पर पावर हैज़ टू बी डिवॉल्व, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर स्टार्ट होता है डिवोल्यूशन ऑफ सेलिब्रिटी से। भारतीय जनता पार्टी बहुत से इलेक्शन ऐसे भी जीती है जहाँ उसके पास स्थानीय चेहरे अच्छे थे, जहाँ पर मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है, और प्रधानमंत्री वहाँ पर फोर्स मल्टीप्लायर थे। जहाँ पर मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम नहीं किया वहाँ प्रधानमंत्री सफल नहीं हुए, और उसी लिहाज से ये लागू होता है विपक्ष पे। अगर आज के दिन, अगर कल को, 13 तारीख को अगर कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो उसका मुख्य श्रेय इस बात को जाएगा कि एक वो बची कुछ ही स्टेट थी जहां पर स्थानीय चेहरे कांग्रेस के पास मजबूत थे। और सबसे बड़ा लेसन कांग्रेस के लिए ये होगा कि हर प्रांत में वो ऐसे चेहरे बनाए और उनको प्रमोट करे और उनको चांस दे, उनको स्पेस दे। हर नेशनल पार्टी का ये कर्तव्य है अगर आप सही में फेडरलिज्म में आस्था रखते हैं। एब्सोल्युटली। और दूसरा ये भी तो है ना विनोद जी, जब चेहरे बनाने की कोशिश भी करते हैं तो कैसे वहां पर पुराने चेहरे नाराज हो देखिए वो अब वो अलग डिबेट है, वो फिर शहजाद उस पर नाराज हो पंजाब और राजस्थान देखिए, लेकिन नए एग्जांपल है बिल्कुल, पंजाब में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। टिप्पणी यहां पर बैठे नहीं कहूंगा, पर आपके स्टूडियो में बैठे अलग विश्लेषकों ने उत्तराखंड में कहा तीन तीन मुख्यमंत्री बदले हैं, आपके मुख्यमंत्री यूजलेस हैं, अब पीएम के चेहरे पे क्या ही हो पाएगा, उत्तराखंड में तो रिवाज बदलने का है। क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ त्रिपुरा में, क्या हुआ गुजरात में, क्या हुआ गोवा में, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? Okay, तो मैं कहता हूं कि प्रो इनकंबेंसी मींस नरेंद्र मोदी। शहजाद एक बात छोटी सी, डोंट माइंड, देखो मेरी बात सुनो, कांग्रेस की गलतियों को अपनी सक्सेस मत मानो। उत्तराखंड, उत्तराखंड कांग्रेस आत्मघात करके हारी, कांग्रेस लड़ी नहीं उत्तराखंड, टीम ही नहीं उतारी उन्होंने जमीन पर। और अच्छा है आप उत्तराखंड जीत गए, लेकिन इसका श्रेय आप मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने को मत दीजिए, इसका श्रेय आप इस बात को दीजिए कि कांग्रेस ने चेहरे नहीं बदले, कांग्रेस ने कोई ऐसा चेहरा आगे नहीं किया जो कि अच्छा ऑल्टरनेटिव साबित हो सकता है जनता की नजर में।